वेलकम बैक टू माय चैनल तनिषा एजुकेशनल हब और मैं हूं आपकी बायोलॉजी कोच डॉक्टर श्वेता मलानी। फाइनली वी आर देयर ऑन द लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 12 दैट इज इकोलॉजी। आज ऑफ कोर्स जो पहला चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, बट यहां पर मैं आपका चैप्टर से स्टार्ट नहीं करूंगी बिकॉज यू नो देयर आर सम बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स मैंने देखा है जो बच्चों में होता है जिसकी वजह से उनको इकोलॉजी एक बहुत ही बोरिंग एंड रटने वाला टॉपिक लगता है क्योंकि कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स उनके मिसिंग होते हैं। मैं इतने दावे के साथ क्यों बोल रही हूँ क्योंकि इकोलॉजी यानी कि एनवायरमेंटल साइंस मेरा स्पेशल पेपर है और मैंने इसी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज जहां पर आप अटकते हैं, जिसको आप नहीं समझने की वजह से इस पूरे टॉपिक को आप सोचते हैं अरे ये तो रटने वाली टॉपिक है, रट लेंगे काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वो फंडामेंटल वर्ड्स क्या है। मैं पहले आपको इस पूरे यूनिट की एक सैर कराऊंगी। ये जो आपका यूनिट यू नो 10 है इकोलॉजी जिसमें चार चैप्टर्स है, वो चार चैप्टर्स आपको क्यों दिए गए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दोज फोर चैप्टर्स एंड व्हाई आर दे इन दैट सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में क्यों पाए जाते हैं, ये पहले मैं आपको बताऊंगी। यानी कि इन शॉर्ट आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू इकोलॉजी, टू दिस कॉन्सेप्ट, टू दिस चैप्टर, टू दिस यूनिट, सो दैट यू गेट दैट फील एंड जील टू स्टडी एंड बाद में जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक, तो अब आ जाते हैं इकोलॉजी पर। एक्चुअली इकोलॉजी क्या है, मैं जब बच्चों को पूछती हूँ ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपके दिमाग में क्या आता है जब आप इकोलॉजी सोचते हैं, तो मुझे बच्चे क्या कहते हैं, मैम एक्चुअली वी थिंक अबाउट यू नो इट इज द इंटरैक्शन ऑफ आर द इंटरैक्शन, ओके ACTIO, इट स्पीक्स अबाउट इंटरैक्शन ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी दैट इज द लिविंग कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी जिसमें आप और हम भी आते हैं, वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो हम बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं विद इट्स ए बायोटिक कंपोनेंट एंड ये ए बायोटिक कंपोनेंट दैट मींस एयर, वाटर, सॉइल, यू नो सनलाइट एक्सेट्रा, इसके बीच का इंटरेक्शन, इनके बीच की जो कहानी है वो एक्चुअली इकोलॉजी है। इकोलॉजी इज जस्ट इट टेल्स व्हाट इज आवर एनवायरमेंट एंड हाउ डू वी इंटरैक्ट विथ इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है, टू सम एक्सटेंट व्हाट यू थिंक इज नॉट रॉन्ग, बट एग्जैक्टली हम जब बात करते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक के इंटरेक्शन के बारे में, ये इंटरेक्शन क्या है, किस लेवल पर है, मतलब ये यू नो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी वेरी क्लियर, तब आपको चारों चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आपसे सबसे पहले सब कुछ सवाल जवाब से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि द मोमेंट राइट आई आस्क यू कि टेल मी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन द लिविंग वर्ल्ड, जैसे आपकी बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो अपने आप में स्ट्रक्चरली कंप्लीट है और जो फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिविंग होने के लिए सारे फंक्शन कर सकता है, वो है सेल। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी इज सेल। तो लिविंग वर्ल्ड, ये जो लिविंग वर्ल्ड है जो हम अर्थ की बात कर रहे हैं राइट, इस लिविंग वर्ल्ड में सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, ऑफ कोर्स इट इज एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने यहां पर एक इंडिविजुअल क्रैब बनाया है, जस्ट वन, एनी, दिस कुड बी अ क्रैब, दिस कुड बी अ बर्ड, दिस कुड बी अ ट्री, दिस कुड बी अ ह्यूमन, द स्मॉलेस्ट यू नो यूनिट इन नेचर इन इकोसिस्टम विच इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन नेचर और इकोसिस्टम इज एन इंडिविजुअल। वन इंडिविजुअल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सो यहां पर मैंने बनाया। लेकिन एक चीज आप और जानते हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो अपने आप में इकलौता है। ऐसा नहीं है कि देयर इज ओनली वन क्रैब इन द एंटायर वर्ल्ड, देयर इज वन पैरट इन द एंटायर वर्ल्ड, देयर इज वन ह्यूमन बींग इन द एंटायर वर्ल्ड। इस दुनिया में ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपने आप में इकलौता है, हु इज द सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स ओन टाइप राइट। तो नॉर्मली those are found in group and उसके लिए हमने यहां पर वर्ड क्या यूज किया है, दैट इज स्पीशीज। सो वॉट इज स्पीशीज, टेल मी, यू हैव लर्नड इन योर लोअर क्लासेस एज वेल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर, यस टेल मी, विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड बताओ
अलाइक एंड दे कैन इंटरब्रीड, जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक वैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो देखने में एक जैसे हैं, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं टू प्रोड्यूस वायबल ऑफ स्प्रिंग्स, जिंदा अच्छा वायबल ऑफ स्प्रिंग्स, वायबल ऑफ स्प्रिंग मतलब वैसे ऑफ स्प्रिंग जो फिर रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे बच्चे बना सकते हैं, वैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीशीज। यानी कि मैंने क्या कहा, इस नेचर में, इस इकोसिस्टम में द स्मॉलेस्ट यूनिट इज एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो होता है उसका वो अकेला रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, यू नो सिमिलर इंडिविजुअल्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं टू प्रोड्यूस वायबल और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, दीज आर कॉल्ड एज स्पीशीज। ठीक है, चलिए आपको स्पीशीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपको साथ में ये भी पता है कि कोई स्पीशीज की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा एक रेफरेंस टू एन एरिया बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं आपको बताओ कि ह्यूमन स्पीशीज कितने हैं, ठीक है, तो आप क्या पूछोगे, मैम कहाँ एरिया बताइए, रांची में पूछ रहे हैं, अपने स्कूल में पूछ रहे हैं, इंडिया में पूछ रहे हैं, झारखंड में पूछ रहे हैं, आप कहाँ पूछ रहे हैं, इन विच रेफरेंस आर यू टॉकिंग, व्हाट इज द एरिया, ठीक वो आप बताइए। आप जानना चाह रहे हैं ह्यूमन का पॉपुलेशन रांची में कितना है, ह्यूमन का पॉपुलेशन झारखंड में कितना है, कि इंडिया में कितना है, कि वर्ल्ड में कितना है, प्लीज यू नो वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्पीशीज विथ रेफरेंस टू एरिया। ठीक, सो अ ग्रुप ऑफ यू नो अ वन स्पीशीज यू नो फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसके लिए वर्ड यूज होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बेसिकली रिप्रेजेंट्स यू नो अ पर्टिकुलर स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज एक्चुअली पॉपुलेशन। अच्छा ठीक है, जब मैंने पॉपुलेशन बता दिया तो अगली चीज जो आप जानते हैं वो ये है कि किसी भी एक एरिया में कभी भी एक इंडिविजुअल का एक स्पीशीज का पॉपुलेशन नहीं रहता। ऐसा आपने कोई एरिया नहीं देखा होगा कि जहां पर आप बोलोगे नहीं मैम मेरे घर पे एक फार्म है और उस फार्म में हमने केवल टीक के पेड़ लगा रखे हैं, केवल टीक के पेड़ लगा रखे हैं, दैट मींस दिस रिप्रेजेंट्स यू नो पॉपुलेशन ऑफ ओनली वन स्पीशीज, केवल एक ही स्पीशीज का यहाँ पर पॉपुलेशन है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अगर आपने टीक के पेड़ लगा रखे तो नीचे घास उग रहा होगा, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट अनदर स्पीशीज। यही नहीं, आपकी मिट्टी में माइक्रोब्स होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, दे विल रिप्रेजेंट अनदर स्पीशीज। इसका मतलब किसी भी एरिया में ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल एक ही स्पीशीज पाया जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा, पहले एक इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, दे फॉर्म स्पीशीज, द स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, एंड देयर कैन बी नो एरिया ऑन दिस अर्थ विच विल कंटेन ओनली वन स्पीशीज, जहां पर केवल एक ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज होगा। हमेशा किसी भी एक एरिया में एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज पाए जाते हैं, राइट एक से ज्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं। ठीक, दिस इसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कम्युनिटी। नाउ लुक एट दिस, मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। समझो एक तालाब है, इस तालाब में देखो यहां पर एक मछली की स्पीशीज है, देयर इज अ फिश पॉपुलेशन, ठीक है, देयर इज अ क्रैब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बोल रहा हूं क्योंकि दिस स्पीशीज इज फाउंड इन अ एरिया। जब हम किसी स्पीशीज की एरिया स्पेसिफिक बात करते हैं तो उसको पॉपुलेशन, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ क्रैब पॉपुलेशन, देयर इज अ फिश पॉपुलेशन एंड मोर देन वन पॉपुलेशन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी, राइट। अच्छा अभी तक आप एक चीज नोटिस करना, मैंने जितनी भी बातें की हैं यहां पर मैंने केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिक्र किया है, एंड लिविंग को बायोलॉजी में हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। आप नोटिस करोगे मैंने केवल बायोटिक कंपोनेंट की बात की है, दैट मींस एन इंडिविजुअल इट्स अ बायोटिक कंपोनेंट, स्पीशीज भी बायोटिक है, ठीक है, यहां पर स्पीशीज इन एन एरिया भी, दिस इज पॉपुलेशन, ये भी बायोटिक है, एंड मोर देन वन पॉपुलेशन यू नो इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक मैंने जितने भी टर्म्स यूज किए हैं आपको नहीं लगता ये सारे टर्म्स हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, दैट मींस ऐसा इनका प्योर एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता? नहीं समझ में आए, मैं बताती हूँ प्योर एग्जिस्टेंस से व्हाट डू आई मीन। आप कभी भी नेचर में कोई एक भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं पाएंगे जो अपने आप में इकलौता है, सो हमेशा उसके जैसे और भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो इंडिविजुअल थियोरिटिकल वर्ड है, बट देर इज नो सच ऑर्गेनिज्म विच इज प्योरली इंडिविजुअल। अब आ जाओ स्पीशीज, स्पीशीज भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेला,
क्योंकि स्पीशीज हमेशा एक एरिया में पाया जाता है एंड एरिया में वो हमेशा अदर ऑर्गेनिज्म के साथ पाया जाता है, अदर ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन में पाया जाता है, वो कभी भी इंडिविजुअली नहीं पाया जा सकता, ठीक, दैट इज कम्युनिटी। लेकिन कम्युनिटी भी एक्चुअली थियोरिटिकली ही एक वर्ड है, इसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कैसे? यू कैन नॉट फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने आप में केवल लिविंग लिविंग के साथ रह ले, अगर जब तक इस तालाब में, जस्ट लुक एट दिस, हम पानी ऐड नहीं करें, बिना पानी के ये सर्वाइव नहीं कर सकते। वी नीड वाटर, वाटर के अलावा वी नीड व्हाट, वी नीड सो मेनी अदर थिंग्स, वी नीड ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए, दे विल रिक्वायर ऑक्सीजन, इसके अलावा जिंदा रखने के लिए दे विल रिक्वायर सनलाइट। दैट मीन्स अ कम्युनिटी अगेन इज अ थियोरेटिकल वर्ड। नेचर में अकेला एक कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। दीज आर ऑल थियोरेटिकल वर्ड्स, व्हाई? बिकॉज दीज वर्ड्स आर यू नो एनक्लोजिंग ओनली द बायोटिक कंपोनेंट्स। इंडिविजुअल एक बायोटिक कंपोनेंट है, स्पीशीज एक बायोटिक कंपोनेंट है, पॉपुलेशन में हम केवल बायोटिक की बात कर रहे हैं, या यू नो कम्युनिटी में हम केवल बायोटिक की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बायोटिक इस दुनिया का ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अपने अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट किए बिना सर्वाइव कर सकता है, राइट? सो दे रिक्वायर द अबायोटिक कंपोनेंट एज वेल फॉर सर्वाइवल। सो दिस कम्युनिटी विच रिप्रेजेंट्स द बायोटिक कंपोनेंट अलोंग विथ द नॉन बायोटिक कंपोनेंट, दैट इज यू नो द वॉटर, एयर, सॉइल, सनलाइट एक्सेट्रा, this structure is called as ecosystem. This structure is called as ecosystem. And what is ecosystem? Actually, ये जो living world है, इस living world का सबसे छोटा unit, the smallest unit, which can survive by itself, which is structurally and functionally truly complete, जो structurally and functionally इस तरह से complete है that it can survive itself infinitely. It can survive itself infinitely. जो अपने आप को infinitely survive कर सकता है उसको हम कहते हैं ecosystem. Ecosystem प्रकृति का सबसे छोटा इकाई है. It is the smallest unit of nature which is made up of both the biotic and the abiotic component, where the biotic component interacts with other biotic component. Biotic biotic के साथ भी interact करेगा and biotic abiotic के साथ भी interact करेगा such that they can survive themselves on their own infinitely. जो अपने आप को अनंत काल तक खुद से survive कर सके, ऐसा प्रकृति का, nature का smallest structural function unit. आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि nature का smallest structural and function unit है individual. Yes, हम structural and functional unit है, पर हम अपने आप को अकेले infinitely sustain नहीं कर सकते. मुझे अपने आप को सस्टेन करने के लिए अदर बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट दोनों की जरूरत पड़ेगी. आई कैन नॉट सस्टेन माई सेल्फ यू नो इनफाइनाइटली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो मैं इसीलिए I am a structural function unit, but I do not have an independent existence. Existence ke liye I require other biotic and abiotic help. Nature ka sabse chota wo unit, jo biotic and abiotic component ka mishran ka, mixture ka, kuch aisa bana hua hai, jahan biotic apne other biotic and abiotic component ke saath इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं कि वो एक अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट बनाते हैं जो इनफाइनाइटली अपने आप को सस्टेन कर सके. इस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहते हैं इकोसिस्टम. इज दैट क्लियर? सो नाउ यू अंडरस्टूड द वर्ड इकोसिस्टम. जब आपको वर्ड इकोसिस्टम समझ में आ गया तो अब कुछ चीजें आपको और समझनी है. वो क्या है चलिए देखते हैं तब फिर थोड़ा सा डिटेल में एक्चुअली ये इकोसिस्टम क्या चीज का बना है. सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम. अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि बेटा ये क्या ये इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया, इज दिस स्ट्रक्चर कंप्लीट. मैं आपसे सवाल पूछूंगी. सो दिस इज अ पॉन्ड. हमने एक नया नया तालाब खोदा, ठीक है, और तालाब में हमने मछली डाली. सो दिस इज अ स्पीशीज एंड बट द स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन. सो दिस इज अ पॉपुलेशन ऑफ फिश.
यहां एक फिश का पॉपुलेशन हमने डाला, क्या ये अपने आप को इनफाइनाइटली सस्टेन कर लेगा? नहीं। आप बोलोगे नहीं मैम, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन लेवल पर हम बात नहीं करते, हमारा पॉपुलेशन के बाद क्या आना चाहिए, देयर शुड बी अदर फिशेज एज वेल। अकेला मैंने कहा ना, किसी भी एरिया में एक इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करता। सो नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज अनदर पॉपुलेशन ऑफ फिश, सो दिस इज फिश टू पॉपुलेशन, दिस इज फिश वन पॉपुलेशन, एंड मोर देन वन बायोटिक कंपोनेंट लिविंग इन एन एरिया इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। चलिए देखिए, हमने कम्युनिटी बना दी। कम्युनिटी बनाने के लिए चलो हम एक और इंडिविजुअल को डाल दिए यहाँ पर, दैट इज क्रैब। तो देखिए यहाँ पर फिश है, स्मॉल फिश है, क्रैब्स है, दैट मीन्स मोर देन वन लिविंग का पॉपुलेशन है, जिसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, कम्युनिटी। क्या ये अपने आप को इनफाइनाइटली सर्वाइव कर लेगा? नहीं। ये इनफैक्ट अपने आप को इनफाइनाइट तो छोड़िए, ये अपने को फाइनाइटली भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ये एक मिनट सर्वाइव नहीं करेगा अंटिल अनलेस ये पानी में रहे, पानी के बाहर निकाल देंगे तो तुरंत मर जाएगा। दैट मीन्स कम्युनिटी कैनॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन। सर्वाइव करने के लिए इट रिक्वायर्स द एबायोटिक हेल्प लाइक वॉटर, लाइक सनलाइट, लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, हमने ये सारी चीजें डाल दी। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस कम्युनिटी इज नाउ एडेड विद द एबायोटिक कंपोनेंट एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये मेरा इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कंप्लीट है? क्या ये अपने आप को, मैंने क्या कहा, इकोसिस्टम क्या होता है, नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट वो यूनिट जो अपने आप को इनफाइनाइटली सस्टेन कर सकता है, विच कैन सस्टेन इटसेल्फ इनफाइनाइटली। तो आपको मैं पूछ रही हूं, क्या मेरा इकोसिस्टम का डायग्राम कंप्लीट है? खुद से सोचो, वीक मैंने क्या कहा था, पहले एक इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल बनाएगा स्पीशीज, स्पीशीज इन एन एरिया इज पॉपुलेशन, मोर देन वन पॉपुलेशन इज कम्युनिटी, द कम्युनिटी विद इट्स अबायोटिक कंपोनेंट। देखो अबायोटिक पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाल दिए, वॉटर, सनलाइट, ऑक्सीजन, सब कुछ डाल दिया है। ठीक है, और फाइनली देखो मैंने तालाब का स्ट्रक्चर बना दिया है। आपको क्या लगता है, ये अब इकोसिस्टम हो गया? Is it a perfect ecosystem? Can it survive itself on its own infinitely? थोड़ा सोचो, 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 सोचो। हुआ कि नहीं हुआ? Right? Okay, mixed opinion. कुछ का कहना हो गया, कुछ का कहना नहीं हो गया। तो जो नहीं हो गया बोल रहे हैं वो करेक्ट है, क्योंकि infinitely sustain करने के लिए आप यहां पर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, आपने यहां पर नोटिस किया, यहां पर एक चीज क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए। इस ऑक्सीजन का कंटिन्यूअस सप्लाई कौन बनाएगा? थोड़ी देर बाद ये मछली, ये केकड़े जब सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे तो ये तो मर जाएंगे, और जैसे ही मर जाएंगे तो ये पॉन्ड क्या होगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। दैट मीन्स इनफाइनाइटली नहीं सस्टेन कर पाएगा। इनफाइनाइट सस्टेन करने के लिए देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर एबायोटिक फैक्टर। चलिए सन तो एक इनफाइनाइट सोर्स है, वॉटर चलो रेनफॉल से आपका रिप्लेनिश हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन को कौन जेनरेट करेगा? सो देयर मस्ट बी सम प्लांट्स एज वेल। दैट मीन्स एनी कम्युनिटी अलोंग विद द एबायोटिक फैक्टर डज नॉट फॉर्म एन इकोसिस्टम। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी वेरी केयरफुली। कोई भी कम्युनिटी ऐसा नहीं है कि मैंने किसी भी तीन ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन ले लिया और कम्युनिटी बनाकर उसमें एबायोटिक फैक्टर डाल दिया तो वो मेरा इकोसिस्टम बन गया और ये अपने आप को इनफाइनाइटली सस्टेन कर लेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको प्लांट्स की जरूरत है। ये प्लांट्स कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन जनरेट करेंगे फॉर दीज बायोटिक कम्युनिटी। राइट, अब मेरा इकोसिस्टम का डायग्राम कंप्लीट है। क्या अब मैं बोल सकती हूं मेरा इकोसिस्टम कंप्लीट है, ये एक ऐसा यूनिट है जो अपने आप को इनफाइनाइटली सस्टेन कर लेगा? सोचो अगेन, मैं जैसा कह रही हूं, थिंक ओवर। राइट, ओके, अगेन आई थिंक पोलिंग इज गिविंग मी एन आंसर मिक्स्ड। सम विल से यस, सम विल से नो, बट दोज हु आर अगेन गिविंग द आंसर नो, यू आर करेक्ट, आप सही हो। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सर्वाइवल के लिए हमें प्लांट्स डाला ताकि प्लांट्स हमेशा ऑक्सीजन जनरेट करे, लेकिन प्लांट्स के इनफाइनाइट ग्रोथ के लिए, मतलब प्लांट हमेशा ग्रो करते रहे, उसके लिए एक और चीज क्या चाहिए? यस, यू गेस्ट इट राइट, वी नीड द माइक्रोब्स, वी नीड द माइक्रोब्स ऑन दिस वॉटर, इन दिस वॉटर बेड। यहाँ बैक्टीरिया वगैरह का पॉपुलेशन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी बात है, यहाँ प्लांट है, जब तक प्लांट है प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो ये बायोटिक कंपोनेंट जिंदा रहेंगे, बट कुछ दिन बाद ये प्लांट मर जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ के सॉइल के सारे मिनरल्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जब सॉइल के मिनरल्स खत्म हो जाएंगे तो ये प्लांट उगना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाएगा, बायोटिक कम्युनिटी मर जाएगी एंड ये इकोसिस्टम अपने आप को इनफाइनाइटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट हाँ ह्यूमन इंटरफेयर करे और हम ऑक्सीजन का सप्लाई करें। बट ये तो हम नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर अपने आप को खुद से सर्वाइव रखता है, नॉट विथ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ऐसा नहीं वो हमारा इंतजार करता है, ह्यूमन तो अब आए हैं, हमारे आने से पहले नेचर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब एक और चीज चाहिए, दैट इज डीकम्पोजर। जब ये फिश ये ग्रास मरेंगे तो ये डीकम्पोजर उनको मिनरलाइज करेंगे सच दैट मिनरल कंटेंट इस वाटर बॉडी में कंटिन्यूअस रहेगा। अगर मिनरल कंटिन्यूअस रहेगा तो प्लांट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे, प्लांट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे तो ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली बनेगा एंड वो वाटर को प्यूरिफाई भी करते जाएंगे। ठीक है, वाटर को प्यूरिफाई करेंगे तब जाकर ये इकोसिस्टम अपने आप को इनफाइनाइटली सर्वाइव कर पाएगा। दैट मींस व्हाट आई वांटेड टू क्लैरिफाई इज, ठीक थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, एंड इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक ऑर्गेनिज्म एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी एंड द एबायोटिक कंपोनेंट, दे फॉर्म एन इकोसिस्टम। बट एनी बायोटिक कम्युनिटी अलॉन्ग विद द एबायोटिक डज नॉट फॉर्म एन इकोसिस्टम। कोई भी ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी को अगर हम एबायोटिक के साथ डाल देते हैं, यानी कि तालाब में सिर्फ मछली और पानी डाल देते हैं, तो उसको इकोसिस्टम नहीं कहेंगे। यानी कि इकोसिस्टम कहने के लिए, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम वंस अगेन, इन ऑर्डर टू कॉल इट इकोसिस्टम, यस वी नीड बायोटिक कम्युनिटी, वी नीड बायोटिक कम्युनिटी, बट इन दैट बायोटिक कम्युनिटी इट इज एसेंशियल दैट सम ऑफ देम मस्ट बी प्रोड्यूसर्स, राइट, सम ऑफ देम मस्ट बी कंज्यूमर्स एंड सम ऑफ देम मस्ट बी डिकम्पोजर्स। जब तक बायोटिक कम्युनिटी में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर तीनों का मिनिमम वन वन रिप्रेजेंटेटिव नहीं पाया जाएगा बेटा, तब तक ठीक है ये इनफाइनाइटली अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा, इनफाइनाइटली खुद से ऑन इट्स ओन सस्टेन नहीं कर पाएगा। So the biotic community must consist of few producers, few consumers, few decomposers, and this with abiotic community like water, right? Like you know, oxygen, like sunlight, ठीक है, sunlight and like this is I have got it air. यहाँ पर ना एयर में तो ऑक्सीजन आ गया, दिस इज ठीक है जो भी समझ लो, जिसको मैंने विंड टाइप का बनाया है, एयर बनाया है, लाइक दिस एबायोटिक कंपोनेंट। Then the biotic interacts with other biotic, biotic will interact with other biotic, that means they are all related. Plants will give food to consumer, ठीक, when the consumer and plants will die, then decomposer will break it, that means the biotic interacts with other biotic, है ना, एक इसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, वो उसको डिकम्पोज कर रहा है, and when they interact with the abiotic in such a manner that they can survive infinitely on its own, then this unit of nature is called as ecosystem, and the smallest living system of the entire world, which is structurally and functionally complete, jo structurally and functionally complete hai, functionally and jo apne aap ko infinitely survive kar sakta hai, इनफाइनाइटली सर्वाइव कर सकता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक, तो जैसे हमारे बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो अपने आप को इनफाइनाइटली सर्वाइव करा सकता है, दैट इज अ सेल, ठीक वैसे ही नेचर का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट जो अपने आप को इनफाइनाइटली सर्वाइव कर सकता है, दैट इज एन इकोसिस्टम। जैसे अगर आपको जानना है कि लिविंग बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है और कैसे फंक्शन करता है, उसके लिए एक सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जानना पहले जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे एक सेल है काम करता है, वैसे ही जब सारे सेल काम करते तो मलाई गए, वैसे ही नेचर का सबसे छोटा यू नो सेल्फ सस्टेनिंग एंड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कंप्लीट यूनिट को कहते हैं इकोसिस्टम। तो अगर आप इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जान गए तो अर्थ एक्चुअली बहुत सारे इकोसिस्टम से ही बना है, तो कहीं ना कहीं आपको एंटायर लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ के बारे में पता लग जाएगा, राइट? इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी स्टडी नाउ द यू नो what is the structure of this ecosystem and what is the function of this ecosystem and how does this ecosystem survive itself infinitely.
समझ में आया? ठीक, तो ये तो हो गया आपका इकोसिस्टम के बारे में। तो मैं यहाँ लगे हाथ आपको एक बात बता दूं, एक बार अपने यूनिट में देख लेना बेटा आपका सिलेबस क्या, आपके चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें आप क्या पढ़ते हैं? आप यहाँ पर इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे द बायोटिक कंपोनेंट, और अभी अभी आपने देखा द बायोटिक कंपोनेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोड्यूसर, अ कंज्यूमर एंड अ डिकम्पोजर, एंड व्हाट आर द मेजर एबायोटिक कंपोनेंट, ये आप पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में आप स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, एंड एबायोटिक में जैसे आप पढ़ेंगे वॉटर, सॉयल, टेम्परेचर, लाइट एसेट्रा। ठीक है, मैं सारा नहीं लिख रही, एसेट्रा ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ये पता है, देखो आप इकोसिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं, मैं देखो इकोसिस्टम का डिफिनेशन लिख रही हूं। इकोसिस्टम को हम डिफाइन करते हैं एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचर विच इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स वेयर द बायोटिक इंटरैक्ट्स विथ एबायोटिक अदर बायोटिक एंड एबायोटिक इन सच अ वे that it can sustain itself infinitely. देखिए इसको ध्यान से देखो, the smallest unit of nature which is made up of biotic and abiotic component, ठीक है, जो बायोटिक एंड एबायोटिक का बना हुआ है, जहां बायोटिक इंटरैक्ट करता है विद अदर बायोटिक, ऑफ कोर्स बायोटिक ही ना इंटरैक्ट कर सकता है, एबायोटिक थोड़ा ना हमसे इंटरैक्ट कर सकता है, एयर थोड़ा ना हमसे इंटरैक्ट करेगा, हम ना एयर से इंटरैक्ट करेंगे, राइट? वेयर द बायोटिक इंटरैक्ट्स विद अदर बायोटिक एंड एबायोटिक इन सच अ वे दैट इट कैन सस्टेन इटसेल्फ इनफाइनाइटली। ये आपका डेफिनेशन है इकोसिस्टम का। तो सबसे पहले इकोसिस्टम बना किसका है? बायोटिक एंड एबायोटिक का। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट एंड व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट, एंड सेकेंड इस टॉपिक पे पढ़ेंगे हाउ डू दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द बायोटिक विद द बायोटिक एंड ऑफ द बायोटिक विद द एबायोटिक। यहां तक आप चैप्टर वन में पढ़ेंगे। फिर जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है इकोसिस्टम। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि हाउ डू दे यू नो व्हाट इज हाउ डू दे सस्टेन देमसेल्फ इनफाइनाइटली। यानी कि यहां तक का डेफिनेशन आप पढ़ेंगे चैप्टर वन में, दैट इज व्हाट इज द यू नो इकोसिस्टम मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट एंड द एबायोटिक कंपोनेंट, सो व्हाट आर द वेरियस बायोटिक कंपोनेंट, व्हाट आर द वेरियस एबायोटिक कंपोनेंट एंड हाउ डज द बायोटिक इंटरैक्ट विद द बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक, टू सस्टेन इटसेल्फ इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट सस्टेन करने के लिए, ठीक, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर टू में। ठीक, तो इस तरह से चैप्टर वन एंड टू पढ़ते वक्त पढ़ने के बाद आपको एक इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है पता लग जाएगा। और क्योंकि इकोसिस्टम नेचर का यूनिट है, तो अगर आपने इकोसिस्टम का फंक्शनिंग भी समझ लिया तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि ये पूरा लिविंग वर्ल्ड कैसे काम करता है। हो गया, अब आएगा थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर क्या है। मैं पहले आपको बता दूं, ये जो पोर्शन आपको पढ़ रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ऐड किया गया है प्लस टू में। That means, in fact, आपने देखा होगा environmental science right from class 3 compulsory कर दिया गया है by Supreme Court till 12। Why? Because हम human beings अगर अपने आप को infinitely इस दुनिया में देखना चाहते हैं तो अभी हम दो ही चीजों के साथ struggle कर रहे हैं। One is population। Population जिस तरह से बढ़ रही है बड़ा मुश्किल है। पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाए आपने चैप्टर फोर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड सेकेंड प्रॉब्लम जिससे हम जूझ रहे हैं दैट इज योर पॉल्यूशन। कहते हैं कि यू नो दीज आर द टू थिंग्स विच कैन ब्रिंग द अर्थ टू एन एंड। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ टू एन एंड। तो ये जो पॉल्यूशन है इससे हम कैसे बचे, ठीक है, हम इससे कैसे बचे। अगर आप इससे यू नो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से बचना चाहते हैं, यानी कि जो नेचर के साथ छेड़छाड़ हो रहा है जिसकी वजह से डिसबैलेंस हो रहा है इससे बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए।
देखिए आपको उसको बचाना चाहिए, लेकिन आप उसको कैसे बचाएंगे जब तक आपको यही नहीं पता कि वो बना क्या चीज का, आप उसको बचाएंगे कैसे? मेरी बात समझिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, किसी पेशेंट को बचाना है तो पहले बचाने के लिए पहले ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, व्हाट आर द मेडिसिन, लोग किस दवाई को कब दे चुके हैं ये पहले पढ़ेंगे ना। 5 साल पहले क्या करते हैं, MBBS करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, ना कि नहीं हमको तो डॉक्टर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हम बहुत खुश है और सीधे क्लिनिक खोले और हम लोगों का इलाज करना शुरू किए, पॉसिबल नहीं है ना, पहले पढ़ना पड़ता है ना इलाज करने के लिए। वैसे ही पहला दोनों चैप्टर में आपने क्या किया, आपने MBBS किया इन इकोलॉजी, आपने पढ़ा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक, आपने जब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ लिया, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो कैसे सर्वाइव करता है इनफाइनाइटली, उसकी पूरी इंट्रिकसीज डाल ली, अब आपने सोचा अब इसको बचाया जाए, तो अगर आपको इकोसिस्टम को बचाना है तो बेसिकली किसको बचाना है, खुद बताओ किसको बचाना है? ऑफ कोर्स द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को, क्योंकि इकोसिस्टम तो दो ही चीज का बना है, वन इज द बायोटिक कंपोनेंट एंड द अदर इज द एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर इज बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मींस अब बायोटिक को कैसे बचाएं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन यानी कि आप कैसे बायोटिक कंपोनेंट को बचाएं, दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर। और एक बार आपने बायोटिक बचा लिया, अब आपको किसको बचाना है, एबायोटिक को, तो चौथा चैप्टर है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज, यू हैव टू स्टडी एनवायरमेंटल इश्यूज। तो फाइनली आपने पहले दोनों चैप्टर में MBBS इन इकोलॉजी किया एंड नेक्स्ट टू चैप्टर में आपने एक्चुअली पर्यावरण को बचा लिया, कैसे बचाया जाए आपने पढ़ा। सो दिस इज एन ओवरव्यू इन टू द सिलेबस As quoted by your NCERT, CBSE ने जो आपका सिलेबस फिक्स किया है, मैंने उस सिलेबस का आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे दिया है। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको इस सिलेबस में पढ़ना क्या है, पूरा चीज आपको समझ में आ गया, तो अब आपको थोड़ी थोड़ी करके समझ में आ रहा है कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक। सो वी आर फर्स्ट वी हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचर विच इज मेड अप ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट एंड द एबायोटिक कंपोनेंट, वेयर द बायोटिक इंटरैक्ट्स विद अदर बायोटिक एंड एबायोटिक इन सच अ मैनर दैट इट कैन सस्टेन इटसेल्फ इनफाइनाइटली। द फर्स्ट चैप्टर विल डील विद द बायोटिक कंपोनेंट एंड द इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक विद द एबायोटिक। द सेकेंड विल डील विद यू नो हाउ टू सस्टेन इटसेल्फ इनफाइनाइटली। द थर्ड विल डील विद हाउ टू कंजर्व द बायोटिक कंपोनेंट एंड द फोर्थ विल डील विद हाउ टू कंजर्व द एबायोटिक कंपोनेंट। तो मैंने अभी आपको जो बताया, चलिए फोटो की मदद से, पिक्टोरियल यू नो डेमोन्स्ट्रेशन की मदद से फटाफट कर ले। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचर? इट्स एन ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। नाउ दिस ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग एंटिटी। मोर देन वन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम टाइप दैट्स कॉल्ड एज स्पीशीज विच कैन इंटरब्रीड। A species is found in a particular area, it's called population. So you can say that this is a deer population, that is a fish population, etc. Now in any area, you just do not find one population. There are more than one population. You can see here, bird ka population hai, deer ka population hai, grass ka population hai, rabbit ka population hai, trees ka population hai. This constitutes what? It constitutes community. Community along with the abiotic factor like, you know, sunlight, air, and other things like water, etc. It constitutes the ecosystem. So, there are many types of ecosystem, but you must remember one thing. Ecosystem mein, some of them, the biotic community must be producer, some of them must be consumer, and some of them must be decomposer. And the abiotic should consist of minimum air, water, soil, sunlight, etc. ठीक है, ये कुछ चीजें उसमें मिनिमम होनी चाहिए। चलिए देखते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। यहां देखिए आपका बायोटिक कम्युनिटी में दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर कंज्यूमर्स, दे आर डिकम्पोजर्स एंड द एबायोटिक कम्युनिटी में वाटर, एयर, सनलाइट एसेट्रा। डेजर्ट इकोसिस्टम में अगेन द प्रोड्यूसर्स, दीज आर द कंज्यूमर्स, देन दीज आर द डिकम्पोजर्स एंड द एबायोटिक कम्युनिटी। फॉरेस्ट में भी आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर, दीज आर द कंज्यूमर्स एंड देर आर सम डिकम्पोजर्स एंड देर इज एयर, सनलाइट, वॉटर एक्सेट्रा। सो वी कॉल इट एज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इन समरी, एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, द प्रोड्यूसर, सॉरी द बायोटिक कंपोनेंट। द बायोटिक मस्ट कंटेन सम producers, some consumers and some decomposers, and the abiotic component is mainly sun, mainly water, mainly air, mainly minerals, etc. And this,
बायोटिक इंटरैक्ट्स विद अदर बायोटिक, देखिए सारे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड इट ऑल्सो इंटरैक्ट्स विद ए बायोटिक, देन ओनली दिस सिस्टम बिकम्स सेल्फ सस्टेनेबल इनफाइनाइटली। ठीक, तो अब जब आपको इकोसिस्टम समझ में आ गया तो हम इकोसिस्टम से थोड़े और वर्ड्स पर जाएंगे हायर लेवल। ठीक, हायर लेवल वर्ड में जाएंगे लाइक बायोम, बायोस्फीयर, एंड लोअर लेवल वर्ड पे जाएंगे दैट इज हैबिटेट एंड निश। तब जाकर हमारी वोकैबुलरी विथ रेफरेंस टू द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगी। वंस द वोकैबुलरी इज कंप्लीट एंड द ओवरव्यू ऑफ द एंटायर यूनिट इज कंप्लीट, वी विल ऑल बी रेडी फॉर द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। चलिए पहले वोकैबुलरी कंप्लीट करें। तो मैंने आपको बताया इकोसिस्टम, ठीक है, एस वाई एस इकोसिस्टम, ये हमारा यूनिट है। इसके नीचे कुछ वर्ड्स था बेटा, ठीक है। अब इकोसिस्टम के ऊपर के कुछ वर्ड्स हैं। इकोसिस्टम के बाद वर्ड आता है लैंडस्केप। अच्छा, लैंडस्केप आपके सिलेबस पर नहीं तो मैं इसे वर्बली बता दूंगी। मेनी इकोसिस्टम इन एन एरिया, मतलब ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड अ लैंडस्केप। जैसे अगर मैं सपोज यहां से लेकर मेन रोड तक जाऊं, तो हो सकता है मुझे, मैं अपने घर से मेन रोड तक जाऊं तो मुझे यहां पर एक ग्रासलैंड दिखाई जाए, ग्रासलैंड, सो दिस विल बी अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। मैं रास्ते में आगे जाऊं तो मुझे यहाँ एक तालाब दिखाई देगा, दिस विल बी अ पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, दिस विल बी अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सो मोर देन वन इकोसिस्टम ओवर अ एरिया, यहां से लेकर यू नो मेन रोड तक, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लैंडस्केप। जिनको ड्राइंग वगैरह का शौक है, जब आप लोग लैंडस्केप बनाते हैं तो नॉर्मली लैंडस्केप में स्ट्रेच स्केच भी क्या करते हैं, तो आप बनाएंगे पहाड़, सो दिस इज एन इकोसिस्टम। इस पे आप यू नो फॉरेस्ट बनाएंगे, दैट्स अनदर इकोसिस्टम। नदी बनाएंगे, दैट्स अनदर इकोसिस्टम। फिर यहाँ ग्रासलैंड बनाएंगे, अनदर इकोसिस्टम। सो नॉर्मली आपको पता है ग्रासलैंड, आप जब पेंटिंग में भी लैंडस्केप बनाते, सो दिस इज एक्चुअली मेनी इकोसिस्टम इन वन एरिया सेम लैटिट्यूड में। ठीक है, मतलब लैटिट्यूड भी नहीं बोलेंगे, एक सेम एक एरिया में, लेकिन लार्जर एरिया में जब आप देखते हैं तो मेनी इकोसिस्टम एक्चुअली इट फॉर्म्स द लैंडस्केप। चलिए ठीक है, आपको लैंडस्केप समझ में आ गया। अब लैंडस्केप के बाद नेक्स्ट वर्ड आएगा आपका बायोम। दिस इज इंपॉर्टेंट, सो गाइज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। हमारा इकोसिस्टम वर्ड से ऊपर भी मैं कह रही हूं कुछ वर्ड्स आएंगे और इसके नीचे भी कुछ वर्ड्स आएंगे। तो लैंडस्केप एक बार मैं लिख नहीं रही क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। उसके बाद आएगा वर्ड बायोम। व्हाट इज बायोम? दोज रीजन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेम टेम्परेचर एंड रेनफॉल, सेम एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस, दीज आर कॉल्ड एज बायोम्स। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस and the movement of the earth around the sun, ठीक, the all the regions of the sun they do not receive the same amount of sunlight and rainfall. आपको पता है earth का हर region same amount of sunlight and rainfall receive नहीं करता, because of the tilting of the earth around its axis and its revolution around the earth. As a result, if all the areas they do not receive the same temperature and rainfall, what will happen? The biotic and abiotic conditions in each region will vary. Earth ka wo region, say, tropics, yahan ka kya hai? Abiotic condition kya hai? The temperature is high. इनका टेम्परेचर हाई है, इसमें रेनफॉल हाई है, तो अगर टेम्परेचर ए बायोटिक कंडीशन अलग होगा तो इसमें बायोटिक भी तो अलग होंगे ना। सो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के ग्रासेस टॉल ग्रासेस होंगे, यहाँ ट्रीज भी टॉल होंगी, ठीक। सो व्हाट विल हैपन, द प्रोड्यूसर विल चेंज। अगर प्रोड्यूसर चेंज करेगा तो यहाँ का कंज्यूमर भी चेंज करेगा। यहाँ पर यू विल फाइंड लार्ज साइज एनिमल्स, से एलिफेंट, टाइगर्स एक्सेट्रा, बर्ड्स वगैरह आपको ज्यादा मिलेंगी, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर भी चेंज कर जाएगा, एंड ऑफकोर्स इनको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर चेंज हो जाएगा। यानी कि दुनिया का सारा इकोसिस्टम तीन ही चीज का बना हुआ है, दैट मीन्स बायोटिक एंड एबायोटिक दो चीज का बना है, बायोटिक एंड एबायोटिक, एंड सबका बायोटिक तीन ही कंपोनेंट का बना है, दैट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर, एंड सबका एबायोटिक सेम चीज का बना है, टेम्परेचर रेनफॉल सनलाइट, लेकिन ठीक है एंड एयर एसेट्रा, ठीक ये चीज का बना हुआ है, लेकिन यू नो द टेम्परेचर रेनफॉल एयर कंडीशन में वेरी,
बना हुआ तो वही चीज का है, सॉइल एयर वाटर एक्सेट्रा, लेकिन सॉइल का कॉम्पोजिशन, द रेनफॉल की डेंसिटी, द सनलाइट की इंटेंसिटी, ये क्या होगी, जगह टू जगह वेरी करेगी, तो ऑब्वियसली उसके बायोटिक कंपोनेंट भी क्या होंगे, वेरी करेंगे, तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर भी क्या करेगा, वेरी करेगा। कहने का मतलब ये है आपकी बॉडी में भी सारा तो सेल ही है राइट, लेकिन लोकेशन एंड फंक्शन के हिसाब से सम सेल्स दे आर आरबीसी, सम सेल्स आर मसल सेल, सम सेल आर न्यूरॉन सेल, बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग इज सेम, बट स्टिल ठीक है उनका ओवरऑल फिर भी उनमें कुछ डिफरेंसेस है एंड फंक्शनली दे आर डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पोजिशन एंड द टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग। सिमिलरली नेचर में भी कोई भी इकोसिस्टम अगर आप देखोगे तो वो अबायोटिक एंड बायोटिक का ही बना है। एंड अबायोटिक में कॉमन चीज क्या है, टेम्परेचर, रेन, सनलाइट, एयर, सॉइल एक्सेट्रा। बायोटिक में क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। लेकिन अबायोटिक की क्वालिटी चेंज कर जाने की वजह से बायोटिक की क्वालिटी चेंज कर जाती है, हेंस इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हेंस यू नो द इकोसिस्टम्स दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट दोज रीजन ऑफ द अर्थ which receive the same type of you know temperature, rainfall, sunlight, soil condition जो same होते, क्योंकि मैंने कहा ना because of the tilting of the earth around its axis and movement around the sun, this abiotic condition they vary across the earth, but across one region of the earth जहां पे same है, तो अगर एक similar abiotic condition है तो उनके biotic component के भी characters similar होंगे। मतलब का मतलब ये है कि ऐसा करके थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं तो अब आपको समझ में आएगा। सपोज हम सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक, ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रॉपिक्स में चाहे आप इंडिया चल जाओ, चाहे चाइना चल जाओ, चाहे इंडोनेशिया चल जाओ, सिंस द एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस देयर इज सेम, द टेम्परेचर कंडीशंस इज सेम, एवरेज द रेनफॉल कंडीशन इज सेम, मेनली यही दो कंपोनेंट होता है बेटा, इट इज द टेम्परेचर एंड रेनफॉल विच एक्चुअली डिसाइड द सॉइल ऑल्सो, तो हम लोग सॉइल को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, टेम्परेचर एंड रेनफॉल ही दो चीज होता है, ठीक, आर इज सेम, सो ऑब्वियसली इनके जो बायोटिक कंपोनेंट है दे विल ऑल्सो हैव सर्टन कॉमन कैरेक्टर्स। जैसे अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, तो इनके सारे इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट्स होंगे ये सारे हाई टेम्परेचर टॉलरेंट होंगे, ठीक, एंड ऑफकोर्स जो एनिमल्स भी होंगे वो हाई टेम्परेचर टॉलरेंट होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका एक रीजन ऑफ द अर्थ में एबायोटिक कंपोनेंट अगर सिमिलर होगा तो उनके बायोटिक कंपोनेंट के भी बहुत सारे कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे। सो सच रीजंस ऑफ द अर्थ विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेम एवरेज टेम्परेचर एंड लाइट यू नो रेनफॉल कंडीशंस दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज बायोम्स। तो आपको अगर समझ में आ गया तो सी दैट टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ मेरा, वन इज योर टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरिएशन इज कॉज ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड प्रेसिपिटेशन विच विल इंक्लूड द रेन एंड स्नो, द अर्थ इज एक्चुअली डिवाइडेड इंटू अ लॉट ऑफ बायोम्स। जैसे यू नो यू हैव डेसिडुअस फॉरेस्ट, प्रेरी, ग्रासलैंड, कॉनिफरस फॉरेस्ट, डेजर्ट एक्सेट्रा, सो दे आर सो मेनी बायोम्स। ये आपके एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें मेजर बायोम्स ऑफ द अर्थ दिखाया गया है, एंड इसको स्टडी करने का तरीका क्या है, डायग्राम बनाने की कोशिश मत करना लेकिन लेबलिंग जरूर आना चाहिए। दिस डायग्राम यू विल नेवर हैव टू ड्रॉ बट यू मे बी आस्क टू लेबल और आइडेंटिफाई, इसीलिए इसको देख लेना। तो देखो कहता है कि दोज रीजन्स, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन दिखा रहा है और यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है। Now those regions which have a precipitation between you know 50 centimeter to 150 centimeter and the temperature is minus 10 to 0 degree, these regions are called as Arctic and Alpine tundra. Okay? Now come here, those regions which have a mean precipitation between you know 60 centimeter to 250 and the temperature between you know maybe 2 degree to 12 degree or 13 degree, these regions are called as coniferous forest. ठीक, तो इसको देख लेना, द मेजर बायोम्स विच आर दे आर ट्रॉपिकल, डेसिडुअस, कॉनिफरस, ग्रासलैंड, डेजर्ट, आर्कटिक एंड एल्पाइन तुंद्रा, इसमें पूरा अर्थ आपका बटा हुआ है। यानी कि अगर ये अर्थ है तो ये कुछ रीजन्स में आप देखोगे ऐसे डेजर्ट्स हैं, फिर कुछ रीजन्स में आप देखोगे दे आर कॉनिफरस फॉरेस्ट, मे बी हियर एंड हियर दे आर कॉनिफरस, दे रिमेनिंग में मे बी दे हैव यू नो टेम्परेट फॉरेस्ट, तो ये अगर आप जोड़ दोगे तो आपका पूरा देन यू नो आर्कटिक एंड ऑल दोस, जब हम सारे बायोम्स को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा लिविंग एरिया ऑफ द अर्थ आ जाएगा। सो आई एम जस्ट शोइंग यू सम मेजर बायोम्स, तुंद्रा, ये हम मैप के रेफरेंस में दिखा रहे हैं। एंड वेरी क्विकली
जैसे आपके इंटरेस्ट के लिए, जस्ट फॉर दैट, जस्ट फॉर फन से मैं बहुत क्विकली कुछ बायोम्स के बारे में बता रही हूँ. टाइगर, ठीक है, उसके कुछ कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ लिखा हुआ है. इट इज फाउंड इन कैनेडा, यूरोप, एशिया एक्सेट्रा. कॉनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं इसको. दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट. यहाँ पर एनिमल्स स्नो कोल्ड एंड स्केसिटी ऑफ फूड में अक्वेंटेड है, इसलिए ये लोग नॉर्मली हाइबरनेशन एक्सेट्रा में जाते हैं. सो दिस इज अ गुड जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. सी सम ऑफ द एनिमल्स विच आर फाउंड इन द टाइगर रीजन जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट. देन टेम्परेट फॉरेस्ट, ये यूएस, कैनेडा, यूरोप, चाइना, जापान, इन एरियाज को कवर करता है. और यहाँ पे इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा अगर इंटरेस्ट हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना. सम कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फाउंड देयर. देन डेजर्ट, डेजर्ट अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, बहुत जगह पाया जाता है. यहाँ कैक्टस है, एनिमल्स क्या है, टेम्परेचर कंडीशन क्या है, कुछ कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फाउंड इन दीज एरियाज. ग्रासलैंड्स, दे आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिक. ग्रासलैंड तो हर जगह पाया जाता है एक्सेप्ट एंटार्क्टिक. दीज आर यू नो सम ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फाउंड ओवर देयर. रेन फॉरेस्ट, वॉट आर द कंट्रीज यू कैन सी हियर एंड वॉट आर द सम कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड तुंद्रा रीजन, ये आइस कैप रीजन है आर्कटिक का, जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साइबेरिया को एक्चुअली कवर करता है. कोल्डेस्ट बायोम है, 1/5 ऑफ द अर्थ सर्फेस लेता है. यहां पर तो केवल लाइकन मॉसेस पाए जाते हैं एंड एक्सट्रीमली कोल्ड रेजिस्टेंट एनिमल्स पाए जाते हैं, मेनली लाइकन एक्सेट्रा पाए जाते हैं. कोल्ड रेजिस्टेंट एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं. इंडिया में भी कौन कौन से बायोम पाए जाते हैं, का एरिया पाया जाता है. सो इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट, दीज कोस्टल रीजन्स, दे आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ. सो यहाँ पर देखो, दिस एरिया में देयर इज डेसिडुअस फॉरेस्ट, दिस एरिया में देयर इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देन देयर इज डेजर्ट हियर एंड द थार डेजर्ट एंड देन द कोस्टल रीजन्स. सो दीज आर द मेजर बायोम्स विच आर फाउंड इन इंडिया. अच्छा, बायोम के बाद जो वर्ड आएगा दैट इज बायोस्फियर. इनफैक्ट बायोस्फीयर तो बायोम पढ़ाते पढ़ाते ही मेरे मुंह से निकल रहा था, फिर मैंने थोड़ा यू नो कंट्रोल किया कि नहीं सही समय पे बताएंगे. तो हम आते हैं वर्ड पहले इकोसिस्टम से. तो हमने कहा था द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ नेचर विच कैन सर्वाइव इटसेल्फ, यू नो विच इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कंप्लीट एंड कैन सर्वाइव इटसेल्फ इनफाइनाइटली इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम, मेनी इकोसिस्टम्स विच आर कैरेक्टराइज बाय कॉमन रेनफॉल एंड टेम्परेचर कंडीशन, दैट्स कॉल्ड एज बायोम. एंड बायोम से ऊपर जो वर्ड है दैट इज योर बायोस्फीयर. ऑल द बायोम्स ऑफ द अर्थ को मिलाकर हम कहते हैं बायोस्फीयर, यानी कि बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स द टोटल, ठीक है, लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ. मैंने कहा ना ये अर्थ है आपका. से दिस इज वन बायोम, से दिस इज अनदर, दिस इज दीज टू आर मे बी द डेजर्ट बायोम, मे बी दिस इज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायो एंड दिस इज अनदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायो, मे बी दिस इज योर यू नो तुंद्रा. आई मीन ऐसे ही रैंडमली बना रहे हैं, दिस इज योर टाइगर. तो जब सारे बायोम को मिला देंगे तो अर्थ का पूरा लिविंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, द इनहैबिटेबल पार्ट ऑफ द अर्थ जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है बायोस्फीयर. एंड ये बायोस्फीयर बेसिकली तीन लेयर में बटा हुआ है, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर. यानी कि आपको पता है अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट, बस यही वो जगह है जहां पर एक्चुअली लाइफ एग्जिस्ट करता है. आपको पता है ये जो ऊपर वाला है उसके बाद जो नीचे का कोर एंड मेंटल रीजन है वहां तो लाइफ नहीं एग्जिस्ट करता, ये ऊपर वाला रीजन. तो ये ऊपर वाला रीजन आपको पता है तीन जोन में बटा हुआ है. वन इज कॉल्ड एज योर लिथोस्फियर, दैट इज द लैंड एरिया. उसके बाद लैंड के ऊपर वाला एरिया इज कॉल्ड एज एटमोस्फियर, ये आपको पता है एटमोस्फियर. एंड नीचे वाला दैट इज पानी वाला इज हाइड्रोस्फियर. एंड ये जो बायोस्फियर है ये बेसिकली तीन जोन में बटा हुआ है, दैट इज यू गॉट इट, यस, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर. दिस टोटल इट एक्चुअली इंक्लूड्स द बायोस्फियर. हो गया. अब आपको जब बायोस्फीयर बता दिया, इकोसिस्टम के ऊपर के दो वर्ड बता दिए, तो अब नीचे के दो वर्ड बता दूं ताकि इंट्रोडक्शनरी वर्ड्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाए. सो लेट मी कम टू द वर्ड दैट इज इकोसिस्टम. ओके, जस्ट वेट, लेट मी. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम एंड देन वी केम टू नो दैट देर आर सम वर्ड्स दैट इज this is biome, many ecosystem it forms biome and all the biomes together it constitute the living part of the earth that is called as the biosphere, which is again divided into hydrosphere, lithosphere and atmosphere. Ecosystem ke niche aayega word habitat and then aayega word niche. theek hai, ye dono ko bhi main bata du, bahut log isko niche bhi bolte hain, lekin I pronounce it niche.
ये दोनों वर्ड्स में मैं बता दूं. सो व्हाट इज हैबिटेट एंड निश. तो हैबिटेट क्या है? इकोसिस्टम में द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स दैट इज कॉल्ड एज द हैबिटेट. ठीक है, दैट ऐसा कहो द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट. ठीक है, एंड उस हैबिटेट में वो पर्टिकुलर एरिया जहां वो पर्टिकुलर स्पीशीज सबसे ज्यादा एक्टिव है, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू फूड एंड रिप्रोडक्शन, उस एरिया को हम लोग कहते हैं निश. अब सुन लो क्या है, पहले मैं एग्जाम्पल दे दूं. सी मेरे बारे में आप जानना चाहते वेयर आई लिव. ठीक है, सो मे बी आई लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड एज स्ट्रीट कॉल्ड एज MG रोड, से महात्मा गांधी रोड, पर सी आई लिव देयर. सो दैट रोड इज माई हैबिटेट. अगर आपको मुझे खोजना है कि नहीं भाई श्वेता मैम से तो मुझे मिलना है यार, मुझे उसका घर तो नहीं पता लेकिन मुझे उनसे मिलना है, तो ठीक है भाई MG रोड में अगर आप रोज खड़े हो तो कभी ना कभी मैं आते जाते आपको दिखूंगी. सो द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स दैट इज कॉल्ड इज हैबिटेट. बट उस हैबिटेट में वो पर्टिकुलर जगह जहां पर एक्चुअली आई एम डिपेंडेंट फॉर माई रिसोर्सेज, फूड, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड माई निश. उस MG रोड में, सो MG रोड इज माई हैबिटेट. उस MG रोड में वो अपार्टमेंट एंड उस अपार्टमेंट में वो फ्लैट नंबर जहां पर एग्जैक्टली मैं पाई जाती हूँ, जहां पर यू नो एक्चुअली मेरा घर आंदा है, जहां मैं फंक्शनली एक्टिव हूं, दैट इज कॉल्ड माई निश. ठीक, फॉर एग्जाम्पल टाइगर में अगर आप बोलोगे तो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है. ठीक, सो फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ टाइगर. लेकिन इस पूरे फॉरेस्ट में भले ही टाइगर पूरे जंगल में घूमता हो, लेकिन शाम को जब वो आ जाता है उस जगह पर जहां पर वो एक्चुअली यू नो वो रहता है, एंड इट इज इट डिपेंड्स फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, जहां पर दैट एरिया इज कॉल्ड एज निश. ठीक, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. अब इन दोनों को समझाने के लिए मैं आपको कुछ वंडरफुल वंडरफुल डायग्राम्स दूंगी, उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो नाउ लेट अस मूव टू अंडरस्टैंड देम. सो देयर इज इन ईच बायोम, हर बायोम में या इकोसिस्टम भी बोल सकते हो, बहुत सारे हैबिटेट्स पाए जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ रीजनल एंड लोकल वेरिएशन. ठीक है, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन का मतलब क्या है, ये बहुत अच्छी चीज लिखी है. कहता है कि इकोसिस्टम है या एक बायोम ही ले लो. ठीक है, बायोम है, से दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया रेन फॉरेस्ट, दैट्स अ बायोम. वहां पर रीजनल डिफरेंसेस होंगे ना, रीजनल डिफरेंसेस एंड लोकल डिफरेंसेस. मतलब जैसे हम रांची में रहते हैं, रांची में मैं जा रहती हूँ और जो कांके रोड है यहीं पर क्या है, डिफरेंस हो जाता है. मेरे सर्दी में मेरे घर के चारों तरफ द टेम्परेचर जब 4 डिग्री होता है तो कांके में 2 डिग्री होता है. या रांची एंड रामगढ़ में अगर देखोगे तो रेनफॉल कंडीशंस आर नॉट सेम. यानी कि भले ही हमारा वी आर यू नो द एवरेज टेम्परेचर एंड सनलाइट सॉरी रेनफॉल इज सेम, बट रीजनल डिफरेंसेस होते हैं भैया. जमशेदपुर का अलग कंडीशंस है, यू नो रांची का अलग है, लाइक दिस. अगर दिल्ली में भी देखोगे तो नोएडा का अलग है, गुड़गांव का अलग है, मेन दिल्ली का अलग है. थोड़ा बहुत होता है कि गुड़गांव थोड़ा ज्यादा ठंड है और मे बी यू नो दिल्ली कम है, इससे का लोकल, दिस इज रीजनल. एंड लोकल डिफरेंसेस में मतलब आप एक ही जगह है, समझो एकदम एक जगह, वही जंगल की हम बात कर रहे हैं, वही जंगल में एक बड़ा पेड़ है, ठीक, और एक छोटा घास है, देखो आपको यही डिफरेंस समझ में आ जाएगा. तो आपको क्या लगता है, इस पेड़ को जितनी सनलाइट मिल रही है क्या ग्रास को उतनी सनलाइट मिल रही है? नहीं. ठीक, ये पेड़ जितना वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है क्या घास उतना ही अब्सॉर्ब कर रहा है? नहीं. दैट मीन्स रीजनल के अलावा लोकल डिफरेंसेस भी होते हैं ना, लोकल डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस. ठीक, ईच हैबिटेट सॉरी ईच बायोम इज देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स में उसको हम बांटते हैं, ईच हैविंग देयर ओन यूनिक एबायोटिक कंडीशंस, दिस इज कॉल्ड एज हैबिटेट. ठीक है, इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर तुम बात करोगे, चलो मैं एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ. अगर तुम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करोगे तो ऊपर में जितना सनलाइट आ रहा है इस पॉन्ड इकोसिस्टम में, क्या उतना ही सनलाइट नीचे भी आ रहा है? ये ऊपर जितना आ रहा है क्या उतना ही नीचे जा रहा है? तो इकोसिस्टम तो सेम है. ठीक, लेकिन इस इकोसिस्टम में देयर विल बी रीजनल एंड लोकल, मतलब वेरिएशन की वजह से इट इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ हैबिटेट. ठीक, आपका कुछ हैबिटेट का एग्जाम्पल लिखा है पढ़ लेना, जैसे राजस्थान का डेजर्ट, परपेचुअली रेन फॉरेस्ट, मेघालय फॉरेस्ट, एक तरह से आपका NCERT इकोसिस्टम को ही हैबिटेट बोल रहा है. ठीक है, एंड ये जो आपका मैंने स्पेसिफिक रीजन बताया ना, इस स्पेसिफिक रीजन को निश बोल रहा है.
स्पेसिफिक रीजन को निश बोल रहा है, तो कह रहा है जैसे राजस्थान है, मेघालय फॉरेस्ट है, कुछ अदर अनयूजुअल हैबिटेट में आता है, डीप सी ओशन, टॉरेंशियल स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, परमा फ्रॉस्ट रीजन्स, देखो जहां परमानेंटली फ्रॉस्टेड है, मेघालय का फॉरेस्ट है, डेजर्ट है राजस्थान का, टॉरेंशियल स्ट्रीम है, बॉइलिंग स्ट्रीम है, ह्यूमन इंटेस्टीन है, यू नो ऑल ऑफ देम दे रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर हैबिटेट। ठीक, इस हैबिटेट में अब क्या होगा, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड द हैबिटेट, एंड इस हैबिटेट में वो जगह जहां पर आप फंक्शनली सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी कि मोहल्ला अगर हैबिटेट है तो वो अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर में भी पर्टिकुलरली जिस रूम में मैं रहती हूँ वो मेरा क्या हो गया, डिश हो गया। यहाँ देखो कितना अच्छा दिखा रहा है, ये तालाब इन सारे बर्ड्स का हैबिटेट है, लेकिन ये बर्ड नीचे के एरिया से अपने खाना लेती है, फूड अदर रिसोर्सेस, ये देखो उससे ऊपर के एरिया में, और ये ऊपर के सरफेस पे, और ये किनारे में, एंड दिस इज टेकिंग ऑन सॉइल। सो सी दिस एरिया इन द एंटायर इको, दिस इज द हैबिटेट, एंड दैट एरिया वेयर आई एम एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन, वेयर विच इज द फंक्शनल पोजिशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द निश। ठीक, सो दैट इज कॉल्ड एज द निश। मैं निश और बताऊंगी, उससे पहले जो स्लाइड छोड़ दिया था, सो एनवायरमेंट क्या होता है, द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस जो मेरे चारों तरफ सराउंड करता है और जो मुझे पोटेंशियली इन्फ्लुएंस कर सकता है। मेरे चारों तरफ जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है, अदर बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट कंस्टिट्यूट्स माय एनवायरमेंट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं निश का, ये देखो डायग्राम, इस This is the habitat. So the habitat for this fish and duck is same. Duck is same. But this is the niche of the fish and this upper layer is the niche of the birds. ठीक? That means that place where I am functionally dependent. देखो एक पेड़ है, दोनों woodpecker है, ठीक है? दोनों का habitat same है this tree, but niche अलग है. It is feeding on the gums. मे बी ऊपर में जो रेजिन्स एंड गम्स होता है उसको खा रहा है, एंड मे बी ये इसका लीफ खा रहा है। ठीक, सो दिस इज द निश वेर आई एम फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक, ये निश का और भी एक आध डायग्राम्स है, जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको बताऊंगी। सो विद दैट द बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड विद इकोलॉजी द टर्मिनोलॉजीज आर कंप्लीटली ओवर। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये समझ में आ गया कि आप पढ़ क्या रहे, इकोलॉजी चैप्टर में एक्चुअली आप पढ़ रहे द इंटरेक्शन ऑफ द बायोटिक विद अदर बायोटिक एंड एबायोटिक, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू ह्यूमंस, हमारा और बायोटिक यानी कि प्लांट्स अदर एनिमल्स के साथ क्या इंटरेक्शन है, एबायोटिक के साथ क्या इंटरेक्शन है, एंड कैसे वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टू मेकिंग मी माई, यू नो, मेकिंग माई लाइफ हैप्पी एंड पीसफुल, दैट मीन्स यू नो एक बैलेंस्ड नेचर में हम कैसे कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि आखिर इसमें ये टर्म्स का मतलब क्या है, हैबिटेट क्या है, इकोसिस्टम क्या है। तो इस पूरे नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो अपने आपको फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट यू नो लीग सर्वाइव कर सकता है इनफाइनेटली, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। तो बना हुआ है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में मिनिमम प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर होना चाहिए, एंड एबायोटिक में सनलाइट, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। वेरी गुड, अब आ जाते हैं इकोसिस्टम। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, अगर नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इकोसिस्टम है तो पूरा क्या है, दैट्स बायोस्फीयर। बहुत सारे इकोसिस्टम जो कैरेक्टराइज है बाय सेम टेम्परेचर एंड रेनफॉल, दैट इज कॉल्ड बायोम, एंड ऑल द बायोम्स यू नो टुगेदर इट फॉर्म्स अ लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज द बायोस्फीयर, जो बताया हुआ है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड ऑफकोर्स एटमोस्फियर में। ठीक, तो सबसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मतलब अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपके 12th के सिलेबस का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एक चैप्टर, और लार्जेस्ट क्या है, कंप्लीट बुक, वैसे स्मॉलेस्ट है इकोसिस्टम, लार्जेस्ट क्या है, ऑफ द बायोस्फीयर। अब एक चैप्टर फिर किसने बटा हुआ है, एक चैप्टर आपका बटा हुआ है इनटू टॉपिक्स, वैसे इकोसिस्टम किसने बटा हुआ है, मैं इकोसिस्टम को ही हैबिटेट बोल रहा हूं, बटा हुआ इनटू निश, बिकॉज ऑफ यू नो दो अ बायोस्फीयर इज कैरेक्टराइज बाय सेम टेम्परेचर एंड यू नो रेनफॉल कंडीशन, एवरेज कंडीशन, बट रीजनल डिफरेंसेज होते हैं, एंड रीजन में भी लोकल डिफरेंसेज होते हैं, जिसकी वजह से हमने उसको बांटा इनटू हैबिटेट एंड निश। निश सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जहां पर एक्चुअली एन इंडिविजुअल इज फंक्शनली एक्टिव फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक, इसके साथ आपको ये समझ में आ गया, आपके चार चैप्टर है, पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे बायोटिक, एबायोटिक एंड देयर इंटरेक्शन, नेक्स्ट में पढ़ेंगे द फंक्शन, यानी कि पहले में पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, सेकंड में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हाउ टू सेव द बायोटिक, एंड नेक्स्ट में हाउ टू सेव द एबायोटिक, एंड विद दैट द
the complete concept of this nature, what it is and how to save it will come to an end. So I hope आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ डिफरेंट लगा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग जरूर लगा होगा. और अगर लगा है सो डोंट बी miser, लाइक बटन को प्रेस करके प्लीज डू एक्सप्रेस वॉट एवर यू फील. कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट लिखिएगा हाउ यू फेल्ट इट. डू इंटरेक्ट विद मी थ्रू दैट. नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है. एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, पढ़ते रहना, खुश रहना. वील मीट वेरी सून इन माई नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ प्रॉपर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट टॉपिक, वॉट आर द मेजर एबायोटिक फैक्टर्स. गुड बाय एंड गुड लक.